Good evening, my children. This is Santosh, Santosh Tavastav. आज मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेवेंथ पार्ट यानी सातवें पार्ट के साथ उपस्थित हूं और बहुत सारे रूल्स अब तक हमने पढ़ लिए हैं। अब कुछ और जो मेन रूल्स हमारे बचे हुए हैं वो धीरे धीरे पढ़ करके इसके बाद एक्सरसाइज के लेवल पे आए जहां पे इन पर सभी प्रकार के एक्सरसाइजेस को हमें सॉल्व करना हो। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है आप उसे जरूर ज्वाइन करें। वहां पे आपको सारी वीडियोस और उनके पीडीएफ्स जो मैं पढ़ा रहा हूं उनमें अधिकतर के पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आप लिंक से नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो आप यहां पर जाएं, आप सुपर 60 संतोष इस नाम से आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा और वहां पे आपको और सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक, इसे जरूर ज्वाइन करें। और एक और चीज जो मैं बताता जा रहा हूं, जो YouTube पर आप वीडियोस देख रहे हैं बच्चों, उनमें मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां भी सर्च करें। यानी अलग अलग प्रकार की जो वीडियोस आप देखना चाहते हैं, जो भी टॉपिक्स आपके हैं, सारी मैंने अलग अलग हमने किया हुआ है। तो आप वहां से अगर आपसे एडिटोरियल पढ़ना चाहते हैं वहां एडिटोरियल का अलग से आपका ग्रुप है। अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो उसका अलग से है। वो कैप पढ़ना चाहते हैं तो उसका अलग से है। एमबी पब्लिकेशन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका अलग से है। अलग से जो प्रैक्टिस सेट्स मेरे हैं वो आप सॉल्व करना चाहते हैं वो अलग से है। ऐसे आप चैप्टर वाइज चाहे तो प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। और अब हम शुरू करते हैं अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट सेट। ओके, इसमें जो पहला रूल है आपका बच्चों वो आपका इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे कोई वाक्य अगर आप देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें, आई हैव नॉट एंड विल नॉट अलाउ हिम टू गो देयर। अगर ये वाक्य है तो आप अगर इसमें एरर आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे करें, जैसे मैं बांट दे रहा हूं, आई हैव नॉट एंड विल नॉट अलाउ हिम और ये अगर तीन पार्ट से और चौथा नो एरर रहेगा तो आप कौन से पार्ट में इसमें गलत ढूंढेंगे, कौन से पार्ट में एरर माना जाए। रूल जानते हैं बच्चों आप, ये रूल आपका है जो आप देख लें और फिर ऐसे वाक्य आपके लिए आसान हो जाए। देखिए, रूल आपका कहता है कि अगर जो वर्ब है वर्ब की जो नंबर है उसके नाउन के अनुसार या उसकी जो फॉर्म है या उसकी जो वॉइस है, अगर ये अलग अलग हैं, दिए गए जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं अगर वो अलग अलग हैं तो आपको अलग अलग वर्ब्स इस्तेमाल करनी होंगी, प्रयोग करने होंगे। ऐसा कब होगा बच्चों, जब आपका सेंटेंस होगा कंपाउंड सेंटेंस। यानी एक कंपाउंड सेंटेंस आपको दिया गया हो और उसमें कंजंक्शन से एंड से या बट से अलग अलग क्लासेस आपकी एक प्रिंसिपल और एक कोऑर्डिनेट क्लास जोड़ी गई हो, तो एक क्लास में आपको अलग हो और अगली क्लास में आपकी अलग हो, क्या उसका नंबर अलग हो सकता है, वर्ब की फॉर्म अलग हो सकती है या उसकी वॉइस अलग हो सकती है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि ये गलती न हो। जैसे यहां पर देखें वाक्य आपको, आई हैव नॉट एंड, अगर आपको याद हो क्लास, अगर आपको याद हो तो एंड से जो आपकी क्लास जुड़ती है वो आपकी कोऑर्डिनेट क्लास होती है। कौन सी क्लास? कोऑर्डिनेट क्लास। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, एक कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। तो जैसे ही आपने देखा कि एंड से जुड़ा है तो एक क्लास आपकी ये हो गई और एक क्लास आपकी ये हो गई, विल नॉट अलाउ हिम टू गो देयर। ठीक है, अब अगर हैव के साथ आपका यहां नॉट है तो हैव नॉट के बाद कोई वर्ब नहीं बच्चों, नहीं है मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब नहीं, और एंड के बाद जो क्लॉज आपकी है विल नॉट के बाद अलाउ है,
यानी पूरे दोनों क्लासेस में केवल आपने एक वर्ब इस्तेमाल किए। कौन सी वर्ब बच्चों? अलाउ इस्तेमाल की है। अब ये अलाउ का मतलब क्या हुआ कि अलाउ इस विल के साथ भी आपको यूज करना है, अलाउ आपको हैव के साथ भी यूज करना है। तो क्या यही फॉर्म रहेगी अलाउ की? नहीं रहेगी। आपको यही समझना है कि अगर सेंटेंस कंपाउंड हो, चलिए मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं। चलिए बच्चों, मान लीजिए सेंटेंस आपका हो, दे हैव नॉट कम एंड विल नॉट गो। ये वाक्य देखिए सही है या गलत है। दे हैव नॉट कम, पूरी क्लास हो गई आपकी, हो गई ना। एंड विल नॉट गो, ये भी पूरी क्लास हो गई, कोऑर्डिनेट क्लास आपकी, क्योंकि दे आपका कॉमन हो गया। यानी ये वाक्य क्या है आपका? सही, बिल्कुल सही है। लेकिन ये वाक्य देखें, दे हैव नॉट एंड विल नॉट गो। अब इस वाक्य में हमने क्या किया है? वर्ब हमने एक रखी है, गो। दे हैव नॉट के बाद हमने वर्ब नहीं लिया है, और एंड के बाद वाली क्लॉज जो इसमें हमने गो वर्ब लिया, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कि ये गो जो है ये हमने हैव के लिए भी यूज किया और यही गो हमने विल के लिए भी यूज किया, यही हुआ। तो अगर ऐसा है तो क्या ये सही है, करेक्ट है ये सेंटेंस? नहीं। क्यों बच्चों? क्योंकि विल के साथ तो आपका गो सूटेबल हो जाएगा, विल के साथ आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लेनी है, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या यही गो हैव के साथ भी काम करेगी आपकी? नहीं। हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास वर्ब कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म। तो यह इसके साथ तो सूट कर ही नहीं ना, इसे यहां रहने दें, गो यहां सही है। आप हैव के अनुसार गो और लें, कहां लें? अब आप यहां लें, दे हैव नॉट, क्या हो जाएगा बच्चों? गॉन। दे हैव नॉट गॉन एंड विल नॉट गो, अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका? सही, ठीक है। और वाक्य देखें आप, आई विल नॉट एंड कैन नॉट अलाउ। मान लीजिए ऐसा सेंटेंस आपके पास है, ठीक है। अब आप देखें क्या ये सेंटेंस सही है, आई विल नॉट एंड कैन नॉट और अलाउ हमारी क्या है यहां पे? प्रिंसिपल वर्ब, एक प्रिंसिपल वर्ब है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं क्या एक ही प्रिंसिपल वर्ब दोनों ऑक्सिलरी वर्ब के साथ काम करेगी, विल के साथ भी और कैन के साथ भी। अगर ये दोनों के साथ काम कर रही है तो इसका मतलब अलाउ सही यहां पे है। तो आई विल के साथ भी अलाउ सही बच्चों, और कैन के साथ भी अलाउ सही, क्योंकि तो दोनों मॉडल्स के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सही फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सही। तो ये वाक्य देखें, आई डिड नॉट एंड Have not allowed। मान लिया ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्या ये स्ट्रक्चर सही है? देखें, I did not, प्रिंसिपल वर्ब नहीं ली हमने, मेन वर्ब नहीं ली, और एंड से क्लॉज हमने जोड़ दिया, एंड हैव नॉट अलाउड। तो हैव के साथ ये जो अलाउड है ये क्या है? सही है। लेकिन क्या यही अलाउड डिड नॉट के साथ आएगा बच्चों? कभी नहीं। तो बस आपको क्या करना होगा, इसे डिड नॉट के साथ भी रखें। तो आई डिड नॉट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? अलाउ। आई डिड नॉट अलाउ एंड हैव नॉट अलाउड देम। और देखें,
She has not and will not what? अपने से कोशिश करें बच्चों, देखें ये वाक्य सही होगा या गलत होगा। बोले She has not and will not call me। बोले ये वाक्य सही है या गलत है, या ये बात देखें I have not and will not do this। समझने की कोशिश करें बच्चे। She has not, क्या she has not की प्रिंसिपल वर्ब ली हमने? नहीं। एंड से अगली क्लास शुरू हो गई आपकी, एंड विल नॉट कॉल मी, कि जो विल नॉट कॉल मी है इसकी शर्त तो पूरी हो रही ना, विल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ये तो पूरी हो रही है, लेकिन ये जो हैज नॉट के बाद आना चाहिए था, कहां यहां वर्ब है बच्चों? वर्ब है ही नहीं, और हमारे पास एक ही वर्ब है। अगर ये वर्ब ऐसी होती जो विल के साथ और हैज के साथ दोनों के साथ सूटेबल होती तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सूट कर रही है, लेकिन हैज के साथ नहीं करेगी, क्योंकि हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। इसीलिए यहां पे आपको क्या लेना होगा, शी हैज नॉट, और वर्ब की क्या हो जाएगी बच्चों, गॉट। ऐसे यहां आते हैं, आई हैव नॉट एंड विल नॉट डू दिस वर्ब। हमारे पास कितनी प्रिंसिपल वर्ब्स हैं बच्चों? एक यही है ना, डू, जबकि हेल्पिंग वर्ब्स कितनी हैं? हैव नॉट और विल नॉट। अब देखें किसके साथ ये डू सही है, विल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, सही है, तो क्या हैव के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी? नहीं आएगी। इसका मतलब आई हैव नॉट क्या लेना होगा बच्चों यहां पर, डन। आई हैव नॉट डन एंड will not do this work, यानी मैंने कार्य किया नहीं है, and will not do this work, और मैं यह कार्य करूंगा, ये सेंस यहां पे आ रहा है, ठीक है? थोड़ा कुछ समझाऊंगा आपको, चलिए और देखते हैं आगे एग्जाम्पल्स के द्वारा। देखें बच्चों, she is tall but Her sister is short, या short stature ले सकते हैं आप। तो she is tall, but her sister is short। कोई error दिख रहा है आपको? बट से आपकी coordinate class शुरू हो रही है, कोई error तो है नहीं, ये class भी आपकी complete है। She is tall, she के अनुसार is लगा हुआ है, बट हर सिस्टर इज शॉर्ट, हर सिस्टर के अनुसार इज लगा हुआ है, ठीक है? लेकिन ये वाक्य देखें, शी इज टॉल बट हर सिस्टर्स शॉर्ट। बोले बच्चों देखें ये वाक्य सही है या गलत है, अपनी कोशिश करें। सही है या गलत? पहला तो सही आपका है, दूसरा सही है कि नहीं? She is tall but her sister's short। अगर आप ध्यान देखेंगे ये tall क्या है बच्चों यहां, एक मिनट, तो ये जो she is tall है but her sister's short, यहां पे है क्या आपके पास? ये जो tall है ये adjective है, और ये short है ये भी adjective है।
ये टाल किसके लिए है बच्चों? शी के लिए, और शार्ट किसके लिए है? हर सिस्टर्स के लिए। अब ये इस किसके लिए है? शी के लिए, लेकिन हर सिस्टर्स के बाद हमने कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि इस जो है ये हमने शी के लिए भी यूज किया है, और यही इस हमने किसके लिए यूज किया है? हर सिस्टर्स के लिए भी। तो क्या ये सही है, करेक्ट है? नहीं है। यहां देखिए बच्चों क्या था, शी सिंगुलर था तो इस आपने ले लिया, और यहां भी हर सिस्टर सिंगुलर है तो इस आपने ले लिया, और अगर आप चाहें तो आप इसे हटा भी दें। देखें सही, शी इज टॉल बट हर सिस्टर शॉर्ट। यानी इस क्यों हटा दिया? क्योंकि इज यहां दोनों के साथ कंपैटिबल है, मीन्स उपयुक्त है। लेकिन यहां देखते हैं, ये इज शी के साथ सही है, लेकिन क्या यही इज हर सिस्टर्स के साथ भी सही होगा? नहीं सही होगा। अगर सही होता तो आप इज ना लीजिए, ले हर सिस्टर्स के साथ इस तो आएगा नहीं। इसका मतलब आपको क्या लेना होगा? हर सिस्टर्स आर, कम समझे हो और नहीं। देखें आई एम डन बट माय ब्रदर इंडेक्स। देखें बच्चों ये वाक्य सही है या गलत है, सोच के बोले। I am dull, but my brother intelligent. Common sense ले बच्चों, अगर हमने my brother के बाद verb नहीं ली, इसका मतलब कि हमने जो पहली क्लास में verb ली है वही verb common होगी। तो क्या common है? I के साथ तो आप am लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना, तो क्या brother के साथ भी am लेंगे क्या? ले सकते हैं? नहीं। इसलिए आपको क्या लिखना होगा? I am dull, but my brother, और यहां क्या होगा बच्चों? Is intelligent. और देखें, she is intelligent, but he is, चलिए he हटा देते हैं, is he dull. ये देखिए वाक्य सही है या गलत, अब तो समझ सकते हैं आप बच्चों, ये वाक्य आपका सही होगा या गलत। शी इज इंटेलिजेंट बट ही डल, समझ सकते हैं ना, ये वाक्य एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों? क्योंकि इज यहां पे जो वर्ब आपकी कॉमन है, शी के साथ भी इज लगेगी और ही के साथ भी इज लगेगा, तो आप यहां इसको जरूरी नहीं, कोई जरूरत नहीं, सही है इस लेने की जरूरत नहीं। वैसे क्या है बच्चों, क्योंकि यह एक कंपाउंड सेंटेंस है, यानी समान सब्जेक्ट और वर्ब से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप चाहें तो कॉमन कर सकते हैं, लेकिन जब कॉमन होने लायक होगा तब। फिर से देखते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसलिए मैं चाह रहा हूं आप समझ लें अच्छे से। वी हैव इन्वाइटेड आवर गेस्ट एंड वी विल इन्वाइट देम अगेन। ये बात देखें बच्चों सही है या गलत। वी हैव इन्वाइटेड आवर गेस्ट, हमने अपने मेहमानों को आमंत्रित किया, एंड और वी विल इनवाइट देम अगेन, और हम उन्हें दोबारा पुनः आमंत्रित करें। यहां देखें हैव की कंडीशन पूरी हो रही है बच्चों इनवाइटेड, और विल की भी कंडीशन पूरी हो रही है। देखिए इनवाइट अर्थात ये वाक्य क्या है, सही है, लेकिन ये वाक्य देखें बच्चों, वी हैव एंड वी विल डू दिस। अब तो आपको समझना चाहिए, देख लें
वी हैव एंड वी विल डू दिस वर्ड. बच्चों मैं शैल नहीं ले रहा हूं, आप नॉर्मली ट्रेडिशनल ग्रामर में शैल लेते हैं, बट नॉर्मली अब जो मॉडर्न इंग्लिश आ रही है वहां पे विल का उपयोग कर सकते हैं. आप चाहें तो शैल ले सकते हैं. बोले बच्चों क्या यहां सही है? सही है वाक्य की गलत? गलत है ना, क्योंकि हैव के बाद देखिए हमने कोई वर्ब नहीं लिया, और यहां बच्चों हैव पास रखने के अर्थ में नहीं, क्योंकि अर्थ तो समान होना चाहिए कंपाउंड सेंटेंस में. तो वी हैव एंड विल, ये जो विल की शर्त है देखिए ये पूरी हो रही, लेकिन क्या हैव की शर्त पूरी हो रही? नहीं, और वर्ब तो एक ही आपके पास है, इसलिए इसकी फॉर्म के अनुसार चेंज करें. यहां क्या होना चाहिए था बच्चों? वी हैव डन एंड वी विल डू दिस वर्क. ठीक है, चलिए बच्चों इसके अलावा अगर आप जैसे इट के प्रयोग के बारे में, देयर के प्रयोग के बारे में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके. देखिए बचपन से आप पढ़े होंगे देयर वाज अ किंग, देयर इज सम वाटर, देयर आर सम वायर्स. इसमें कोई भी वाक्य गलत है बच्चों? देयर वाज अ किंग, देयर इज सम वाटर, देयर आर सम वायर्स. देयर की पोजिशन समझते हैं बच्चों? देयर की पोजिशन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की होती है, यानी यह एक इंट्रोडक्टरी एडवर्ब की तरह कार्य करता है, यानी यह वास्तविक सब्जेक्ट यहां नहीं होता. वास्तविक सब्जेक्ट क्या होता है? इससे जुड़ा हुआ जो नाउन है या प्रोनाउन है. बच्चों यहां देखिए देयर के साथ क्या जुड़ा है? अ किंग, इसलिए आपने क्या लिया? वाज लिया. यहां देखिए देयर के साथ क्या जुड़ा है? सम वाटर, इसमें क्या लिया आपने? इसलिए सिंगुलर. लेकिन यहां देखिए देयर के साथ क्या जुड़ा है? सम बॉयज, इसलिए क्या लिया आपने? आ लिया. सही है, यानी देयर की जो पोजीशन होती है वो ये होती है कि इसके साथ जो नाउन या प्रोनाउन जुड़ा हुआ है उसी के अनुसार आप क्या लें? वर्ब का इस्तेमाल करें. ठीक है, इसके विपरीत, इसके विपरीत इट होता है, यानी देयर जो है उस पति की तरह है जो गवर्न हो रहा है, लेकिन इट उस पति की तरह है जो गवर्न कर रहा है. समझते हैं ना, देयर जो है वो गवर्न होता है किसके द्वारा? साथ में जो उसके नाउन या प्रोनाउन होगा, लेकिन इट जो है गवर्न करता है उसके साथ, चाहे कोई भी हो बच्चों, कुछ भी हो, इट हमेशा अपने अनुसार चलेगा और देयर हमेशा अपने से जुड़े हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार. इट की पोजीशन देख लेते हैं. इट डैश वी, इट डैश ही, इट डैश शी, इट डैश आई, इट डैश दे, इट डैश बॉयज, इट डैश द बॉय. इस सारे एग्जांपल्स आपको ये हेल्प करेंगे कि इट जो है इस बात से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसके साथ में क्या है, कौन सा नाउन कौन सा प्रोनाउन है, यह हमेशा अपने अनुसार चलेगा. द बॉय है या द बॉयज है कोई फर्क नहीं बच्चों, इस या वाज ही रहेगा. बॉयज है फिर भी इस या वाज ही रहेगा. वी है फिर भी इस या वाज ही रहेगा. ही है फिर भी इस या
वाज ही रहे, शी है फिर भी इज या वाज ही रहे, इवन आई है बच्चों जो एम लेता है फिर भी यहां पर इट इज या वाज ही रहे, दे है यहां पे फिर भी इज या वाज, यानी यह उस व्यक्ति की तरह है जो किसी और के अनुसार नहीं चलता है, यह हमेशा अपनी जिद पर अपने अनुसार चलता है चाहे इसके साथ कोई भी। इसलिए इट की पोजीशन देयर की पोजीशन से क्या है, बिल्कुल अलग। समझ गए होंगे बाप, देयर उसके साथ जो नाउन प्रोनाउन जुड़ा है उसके अनुसार चलेगा और इट अपने अनुसार चलेगा, चूंकि इट थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है इसलिए इसके साथ जब भी वर्ब आएगी वो क्या होगी, सिंगुलर ही होगी, प्लूरल कभी नहीं। तो अब हम ये वाक्य कर सकते हैं, देखिए अगर आपको दिया जाए इट आर, आराम से बात कर लेंगे क्योंकि इट के साथ आर तो कभी आएगा नहीं, सिंगुलर ही आएगा, यहां क्या हो जाएगा बच्चों, इस हो जाएगा। ये देख ले सही है, देयर इज सम मैन हो सकता है कभी नहीं, यहां क्या हो जाएगा बच्चों, आर हो जाएगा। सही है, कुछ भी ऐसा जो आप नहीं समझ पा रहे हो बोलेगा बच्चों, ठीक है। यानी इट अपने अनुसार और देयर जो है वो जुड़े हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। इसके अलावा जो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मिलेगा वो क्या होता है बच्चों, एंड से जुड़े हुए कुछ नाउन्स और प्रोनाउन्स के बारे में, और मैं इसे चूंकि लास्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप में ज्यादातर बच्चे ये रूल्स जानते हैं, फिर भी जो चीजें कुछ टिपिकल होंगी आपने ग्रैस्प करने की कोशिश करिए। कैसे रहे? अगर आपके पास कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड से जुड़ा है और फिर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ये जो आपने दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स जोड़े हैं ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं, तो आपकी जो वर्ब होगी बच्चों वो हमेशा क्या होगी, प्लूरल होगी। ये पहला पॉइंट, यानी जैसे आपने कहा राम एंड रहीम इज नॉट एबल टू फिनिश दिस, ये वाक्य देखिए बच्चों सही है या गलत, ये वाक्य सही है या गलत, राम एंड रहीम इज नॉट एबल टू फिनिश दिस वर्क। बच्चों ये राम और रहीम दो अलग अलग लोग हैं ना, दो अलग अलग लोग, अगर दो अलग अलग लोग हैं तो फिर आप यहां इस कैसे ले सकते हैं, क्या लेना होगा बच्चों यहां पर, आर यही ना, मोहन एंड रोहन है सो, समझ गए होंगे बच्चों आप, डिसाइडेड दैट दे विल नॉट अपीयर इन द एग्जाम। देख ले बच्चों कर लेंगे, बिल्कुल आसान है, जैसे ही आपने देखा कि दो अलग अलग लोग हैं तो फिर यहां पर हैज नहीं होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, है हो जाएगा, है कॉमन बिल्कुल ऑर्डिनरी रूल आपका। चलिए और देखते हैं, एक मिनट बस, ओके। इसी के साथ एक दूसरा जो पॉइंट है वो देखते हैं,
सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एंड से जुड़ा है, फिर से सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और इसकी जो वर्ब हम ले रहे हैं वो एसवी सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही वस्तु या व्यक्ति को संकेत कर, समझ रहे होंगे। यहां भी सिंगुलर नाउन है, यहां भी सिंगुलर नाउन है, और यहां भी एंड से जुड़े हैं, तो यहां पे हम सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं। क्यों सिंगुलर ले रहे हैं? क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं बच्चे, ये दोनों मिल करके एक यूनिट होने का काम है, यानी एक ही चीज होने का संकेत करते हैं, इसलिए इनकी वर्ब हम क्या ले रहे हैं? सिंगुलर। कैसे? जैसे आप कहते हैं ब्रेड एंड, चलिए आर लिख दें, आर अ वेरी नाइस ब्रेकफास्ट है। ये ब्रेड एंड बटर दो अलग अलग नाउन्स जो हैं, आपने एंड से जोड़ा है, लेकिन ये दोनों मिलकर के क्या है बच्चों? ब्रेकफास्ट ही तो है। अगर एक ही चीज दोनों मिलकर के बन रहे हैं तो आपकी जो वर्ब होगी वो आर नहीं होगी, क्या हो जाएगी? इच हो जाएगी। सही है? और हॉर्स एंड कैरियर्स हैव अराइव्ड एट द डोर। दो सिंगुलर नाउन्स हार्श और कैरियस एंड से जुड़े हैं, लेकिन दोनों मिलकर के एक ही चीज का काम कर रहे हैं बच्चों। आप जानते हैं तांगा का, जिसे देहात में इक्का कहते हैं ना, तांगा का काम कर रहे हैं। तो जब एक ही चीज मिलकर के काम कर रहे हैं तो फिर है वो कैसे होगा बच्चों? क्या हो जाएगा यहां पर? है जाएगा। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। यहां भी एंड से दो अलग अलग नाउन्स जुड़े, तो फिर भी विन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों एक ही हैं, जो स्लो और स्टडी हैं और रेस जीतने वाले हैं। आप जानते हैं ये हम कछुए के बारे में कह रहे हैं, तो फिर यहां विन नहीं होगा बच्चों, क्या हो जाएगा? विन। ठीक है, यानी दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो और वो अलग अलग लोगों को प्रदर्शित कर रहे हो, इंडिकेट कर रहे हो, तो उनका नाउन और उनके वर्ब और प्रोनाउन दोनों क्या रहेंगे बच्चों? प्लूरल रहेंगे। लेकिन अगर ये एक ही की तरफ इशारा कर रहे हो, इंडिकेट कर रहे हो, तो उनके वर्ब और प्रोनाउन दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? सिंगुलर हो जाएंगे। ठीक है, और देखते हैं देखें। अब आपने यहां पे लिया एक आर्टिकल, समझते होंगे, ए एंड द, या कोई डिटर्मिनर ले लिया। डिटर्मिनर समझते हैं ना, जो आर्टिकल है वो खुद डिटर्मिनर है, और जो माई हुआ, हिज हुआ, जितने पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं ये सारे डिटर्मिनर्स होते हैं। माई, आवर, योर, हिज, देयर, इट्स, वंस, ये क्या है आपके? पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं, डिटर्मिनर्स। इसके अलावा जो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, दिस, दैट, दीस और दोज, ये भी क्या होते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो अगर ये आपके मीन्स डिमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, अगर ये आपके किसी सिंगुलर नाउन से जुड़े हैं, यानी इनके बाद क्या है आपके पास बच्चों? कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक, और फिर आपने इन्हें किससे जोड़ा है? एंड से जोड़ा है, और फिर से आपके पास क्या है? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन। समझ रहे हैं? कोई भी आर्टिकल या डिटर्मिनर, वैसे दोनों एक ही चीज है बच्चों, अगर ये हैं और इनके बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिया आपने, फिर एंड से जोड़ा किसे? एक और सिंगुलर काउंटेबल नाउन।
तो आपकी जो वर्ब होगी बच्चों वो हमेशा क्या होगी, एसटी, सिंगुलर वर्ब होगी आपका। क्यों होगी? क्योंकि ये दोनों फिर से एक ही की तरफ इशारा करेंगे। कैसे? देखें, देखें, जैसे आपने कहा, एग्जाम्पल्स आप जानते होंगे, द मैनेजर एंड प्रिंसिपल हैव कम टू स्कूल। क्या ये वाक्य सही है बच्चों? ध्यान से देखें, एक सिंगुलर नाउन एस सी एन और एक और सिंगुलर काउंटेबल नाउन एस सी एन, इन्हें किससे जोड़ा आपने? एंड से जोड़ा आपने। लेकिन बच्चों आपने डिटरमिनर केवल एक के पहले लगाया, आपने मैनेजर के पहले, आपने प्रिंसिपल के पहले कोई आर्टिकल या डिटरमिनर नहीं लिया। इसका मतलब क्या हुआ? जो मैनेजर है वही कौन है? प्रिंसिपल भी। जब दोनों बच्चों एक ही लोग हैं तो प्लूरल कैसे ले लेंगे आप? इसलिए यहां पे आपका जो हैव है ये क्या हो जाएगा? है, सही है। और देख, द ओरेटर एंड स्टेट्समैन, स्टेट्समैन मीन्स राजनेता, द ओरेटर, ओरेटर मीन्स वक्ता, द ओरेटर एंड स्टेट्समैन हैव अराइव्ड। कर लेंगे बच्चों? सही है, नहीं ना? जो ओरेटर है वही स्टेट्समैन है। ये कैसे पता चला? इस दस जो हमने केवल पहले वाले से पहले लिया, इसलिए यहां पर हैव नहीं होगा बच्चों। क्या हो जाएगा यहां पर? हैज। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर आर नॉट रेडी to invest in this thing. सही है, देख ले। The producer and director are, क्या दोनों के पहले बच्चों हमने article लिया है? लिया है? नहीं। इसका मतलब यहां are नहीं होगा, क्या हो जाएगा? यानी producer और director दोनों जो है वो दोनों अलग अलग नहीं, वो एक ही है, क्योंकि एक के पहले हमने द लिया है। इसका मतलब वो फिल्म में इन्वेस्ट करने तैयार नहीं है, जो वो एक ही है। एक और देख, माय अंकल एंड बेनिफैक्टर हैव ऑलवेज सपोर्ट। कर लेंगे बच्चों? हमने अंकल ने पहले डिटरमिनर लिया, माय लिया, पॉजिटिव एडजेक्टिव, लेकिन हमने बेनिफैक्टर के पहले नहीं लिया। इसका मतलब जो मेरे अंकल हैं वही मेरे क्या है? बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर मीन्स जो दूसरों की आर्थिक मदद करता है। तो ये दोनों लोग एक ही हैं, इसलिए हैव नहीं होगा बच्चों। क्या हो जाएगा यहां पे? हैव। समझ गए होंगे बच्चों? तो फिर चौथा रूल भी आप समझ सकते हैं। अगर आपने लिया आर्टिकल या फिर मैं फिर कहूंगा बच्चों मैं अलग अलग लिख रहा हूं, लेकिन दोनों एक ही चीजें हैं वास्तव में। प्लस आपने क्या लिया बच्चों? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर आपके मन में आ रहा हो कि सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्यों लिख रहे हैं, प्लूरल क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो जब प्लूरल हो जाएगा तो फिर वर्ब के सिंगुलर होने का नॉर्मली कहां सवाल होगा बच्चों? तो ये लिया, और फिर इसके बाद फिर से आपके पास क्या है बच्चों? कोई आर्टिकल लिया, डिटरमिनर है, और एक बच्चों इसके बाद पहले आप क्या ले लेंगे? एंड, और फिर से कोई आर्टिकल डिटरमिनर है, और फिर से आपके पास क्या है?
सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब स्थिति में थोड़ा सा फर्क आ गया है। अब पहले वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले तो आर्टिकल या डिटर्मिनर है ही, जो दूसरा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके पहले भी आर्टिकल या डिटर्मिनर है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, आपके पास प्लूरल वर्ब हो जाएगी ना। अब आप सिंगुलर नहीं ले सकते, जैसे आपने वही सेंटेंस बच्चों रिपीट कर लिया, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर लिखने के बजाय मैंने द डायरेक्टर लिख दिया, और जैसे मैंने द डायरेक्टर लिखा इट मीन दोनों अलग अलग हैं। द डायरेक्टर इज द रेड, क्या अभी सही हो जाएगा बच्चे? नहीं, अब यहां क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, समझ गए? और देखते हिज द अंकल एंड द बेनिफैक्टर हैव कम, कर लेंगे सही बच्चे, क्योंकि मैंने अंकल के पहले हिज लगाया और बेनिफैक्टर से पहले भी द लगाया, इसका मतलब ये दो अलग अलग लोग हैं, तो आपकी वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप ये। तो एक ऐसा पॉइंट बच्चों जो टिपिकल है, देखिएगा, जो कहेगा कि दुनिया में सब कुछ रूल्स ही नहीं होता है, भावनाएं भी होती है। पहले ये वाक्य मैं आपको दिखा रहा हूं, द, चलिए मैं इसे और इजी कर रहा हूं बच्चों आपको। आपने क्या लिखा था अभी, माय अंकल एंड बेनिफैक्टर हैज, बोले बच्चों ये सही है या गलत, सही है या गलत, सही है ना। अंकल के पहले मैंने माय लगाया, लेकिन बेनिफैक्टर के पहले मैंने कोई डिटर्मिनर या पोजेसिव नहीं लिया, आर्टिकल नहीं लिया, तो मैंने क्या लगाया, हैज, क्योंकि दोनों एक ही हैं। तो फिर ये बात बताया, माय अंकल एंड आंट हैज कम, सही होगा, होगा कभी नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये अंकल और आंट दोनों एक नहीं हो सकते हैं, ये शंकर और पार्वती जी नहीं हो सकते बच्चों कि ये दोनों एक दूसरे में बिल्कुल जुड़ जाएंगे, वो भी मॉडर्न एज में तो कभी भी नहीं हो सकता है, नहीं ना, यानी दो जब भी रहेंगे ये अलग अलग रहेंगे, और जब अलग अलग रहेंगे तो हैस कैसे होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, हिज फादर एंड मदर इज, क्या कहने की जरूरत पड़ेगी बच्चों आपको, बताने की जरूरत पड़ेगी आपको, नहीं, आप समझ रहे होंगे कि यहां पे भी कभी इज नहीं हो सकता है, यहां पे भी क्या होगा, हाँ। तो कहने का मतलब ये कि सब कुछ रूल्स नहीं बच्चों, वाक्य की भावनाएं हैं जो आपको समझनी होगी। जैसे ये वाक्य देखें, What is the aim and object of this? सही बच्चों ना, क्योंकि यहां आपने aim के पहले द लिया लेकिन object के पहले आपने द नहीं लिया, क्यों, क्योंकि वैसे भी जानोगे aim और object दोनों एक ही चीज है, उद्देश्य, इसीलिए आपने क्या लिया है बच्चों, इस लिया, सही ना, यानी चीजें समझने की हैं, किस तरीके से इनको हम गवर्न करें, मीन्स कंट्रोल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आपको याद होंगे बच्चों, हु हो सकता है, विच हो सकता है, और व्हाट हो सकता है, होने के लिए हु का होम और हुज भी हो सकते हैं,
ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है। इनकी स्थिति भी बच्चों क्या है, टेयर वाली स्थिति, कि इनके मतलब हम कौन से भाव में चल रहे हैं। हम इनको सिंगुलर लोगों के लिए दिखा रहे हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लें, और प्लूरल लोगों के लिए दिखा रहे हैं तो प्लूरल। जैसे आपने कहा हू इज, सही ना बच्चों, तो इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि हम किसी एक की बात कर रहे हैं, कौन है वहां, अर्थात एक कोई हो सकता है। लेकिन अब देखें ये भी सही है, कौन लोग हैं वहां, हु आर हो गया बच्चों। और देखें व्हाट इज, वेरी क्या चीज है तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, यानी कोई एक चीज होगी, इसलिए हमने क्या लिया बच्चों, इज। अब देखिए व्हाट आर विद यू, अब क्या हो गया प्लूरल, क्यों, क्योंकि हमने मान लिया कि उनके उनके पास कुछ और उनके साथ कुछ ज्यादा लोग होंगे या ज्यादा चीजें होंगी। ठीक है, चलिए बच्चों ये जो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे जो आपके मेन रूल्स हैं, इनकी पूरी सीरीज मैं आपको दे रहा हूं। जो पार्ट वन है उसमें आपने कुछ पढ़ा, जो पार्ट सेकंड था उसमें आपने कुछ पढ़ा, जो पार्ट थर्ड था उसमें और आपने पढ़ा, पार्ट फोर्थ, पार्ट फिफ्थ, पार्ट सिक्स, और अब ये जो आप पढ़ रहे हैं ये पार्ट सेवेंथ है, और शायद पार्ट एट जो होगा इसका लास्ट पार्ट होगा। यानी आठ पार्ट्स में मैं इनके रोज जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वो लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, अब मैं चाहूंगा पहले आप कुछ सेंटेंसेस देख लें कि क्या आपने जो अभी तक पढ़ा वो आप कर ले रहे हैं। एक दो सेंटेंस बच्चों सिर्फ एक आजमाइश के तौर पर, जैसे आपने कहा इट इज द मैन हु कैन डू इट, देयर आर some aisle in the container. The truth and honesty good. देखे बच्चों और बताएं क्या आपने ये समझा कि वाक्य सही है या गलत है, तीनों सेंटेंसेस आपके सही हैं या गलत, देख लें और बताएं। अच्छे से देख लें, पहला, दूसरा और तीसरा। कर लेंगे बच्चों, ये जो इट के साथ आप इस देख रहे हैं ना, सही सही, इट के साथ तो सिंगुलर ले सकते हैं, चाहे आप मेन हो चाहे मैन हो। ये जो देयर के साथ आप आर ले रहे हैं, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो देयर से जुड़ा हुआ नाउन है वह सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आपने देखा कि हमने लिया सम आयल यानी मेटीरियल, यानी सिंगुलर के रूप में आपने यूज किया। अगर सिंगुलर रूप में आपने यूज किया तो आर कैसे ले सकते हैं बच्चों, इज हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं, द ट्रुथ एंड ऑनेस्टी गो टुगेदर। वैसे भी देखिए मैंने केवल ट्रुथ के पहले द लिया है, और वैसे भी अगर द नहीं भी रहता बच्चों तो ट्रुथ और ऑनेस्टी यानी सत्य और ईमानदारी जो है, दोनों सच्चाई और ईमानदारी एक ही चीजें होती है, तो फिर वैसे भी आपका एक ही है, और वैसे भी द भी लगा है, यहां गो नहीं होगा बच्चों, क्या हो जाएगा यहां, गो हो जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप
और ये बच्चों एक कह सकते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट रूल रहेगा कुछ बच्चों के लिए जो बच्चे मॉडरेट लेवल पे हो। उसकी वजह है क्योंकि जो बच्चे मॉडरेट लेवल पे होंगे अगर उन्होंने इन्वर्जन का टॉपिक नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज रहे, पर जिन बच्चों ने इन्वर्जन पढ़ा होगा उनके लिए बेहतर, क्योंकि वर्ब जो होती है वो इनवर्ट यानी इन्वर्जन जब होता है सेंटेंस में वर्ब का तो उसके अनुसार अपने आप को गवर्न करते हैं। कैसे रखें बच्चों, पहले आप ये समझते हैं बच्चों जब आप ये लिखते हैं देयर वाज अ किंग तो यह भी वास्तव में एक इन्वर्जन के ही पार्ट के अंतर्गत आप रख सकते हैं, क्योंकि वास्तविक वाक्य क्या रहा होगा बच्चों, अ किंग वाज देयर। तो जब आपने देखा कि अ किंग वाज देयर था तो आपने इससे जब देयर को पहले कर लिया तो इन्वर्जन का रूल आपने अपनाया, और इन्वर्जन में क्या होता है पूरी वर्ब जो है वो पहले आ जाती है। ठीक है, देखिए पहले वाक्य देख लें, अंडर द ट्री वॉज लाइंग द मैन, और मुझे बताएं बच्चों ये वाक्य सही है या गलत है, बोले देख लीजिएगा बच्चों आप, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको समझना होगा कि यहां सब्जेक्ट ट्री है या फिर कुछ और है, ये ध्यान रखिएगा। कर लेंगे, यहां हमारा सब्जेक्ट बच्चों अंडर द ट्री नहीं, हमारा सब्जेक्ट है द मैन, और अगर हमारा सब्जेक्ट द मैन है तो फिर यहां वाज नहीं हो सकता है, क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। एक और बात, बताएं बच्चों ये बात सही है या गलत, बोले सही है या गलत, सही बच्चों गलत। इन्वर्जन में क्या होता है वर्ब का जो स्थान होता है सब्जेक्ट के साथ वो पहले आ जाता है। नॉर्मल सेंटेंस में आप क्या करते हैं ठीक है बाद ही वर्ब रखेंगे ना, लेकिन एक जब इन्वर्जन हो जाता है, प्रश्न इन्वर्जन क्या है आप समझ रहे हैं बच्चों, जब भी किसी वाक्य में एडवर्ब जो होता है वो पहले आ जाता है तो फिर नॉर्मली आपको इन्वर्जन का प्रयोग करना पड़ता है। तो जैसे ही आपने देखा कि वाक्य के आरंभ में सो नाइसली आ गया, सो वेल आ गया, सो क्विकली आ गया, हार्डली आ गया, स्कैर्सली आ गया, रेयरली आ गया, बेयरली आ गया, नेवर आ गया, नॉट के साथ अगर आप एडवर्ब जोड़ते तो वो आ गया, वनली आ गया, और भी नो सूनर आ गया, हियर आ गया, देयर आ गया, नो वेयर आ गया, अंडर द ट्री आ गया, अंडर द टेबल आ गया, इन द वैली आ गया, इनसाइड आ गया, आउटसाइड आ गया, इन आ गया, आउट आ गया, ये सारे जो एडवर्ब्स हैं अगर ये वाक्य के आरंभ में आते हैं तो स्थिति अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को सब्जेक्ट के पहले करना होता है। अगर आपको याद हो जब हम पार्शियल इन्वर्जन करते हैं तो केवल हमको हेल्पिंग वर्ब पहले रखते हैं सब्जेक्ट के, और जब हम
फुल इन्वर्जन यानी कंप्लीट इन्वर्जन करते हैं तो हमको पूरी वर्ब को ही, प्रिंसिपल वर्ब को ही सब्जेक्ट के पहले रखनी होती है। लेकिन इस पर डिस्कशन करेंगे हम अपने अगले यानी एक तरह से लास्ट जो हमारा सेगमेंट होगा, पार्ट होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आठवां पार्ट, उसमें हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फिर आप ये सारी चीजें तैयार कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि आठवें सेगमेंट के बाद आपको इन सब से संबंधित जितनी एक्सरसाइजेस है एग्जाम्स की वो आपको सॉल्व करनी, जिससे आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने कितना तैयार किया। और ध्यान रखिएगा बच्चों, ग्रामर के सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है आपका वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही है, जो एग्जाम्स में सबसे अधिक दिया जाता है। तो आठवें सेगमेंट में, आठवें पार्ट में मिलने के लिए अलविदा लेते हैं अभी। थैंक यू।